मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर आए। दिल्ली में नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से ये प्रयत्न करती रही है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी पंचायत की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और उसके कारण बाद में स्थिति ये आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिए जाए। विधि वेताओं से मिले, विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट्स की टीम से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे। सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। हमारा प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव।